हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सीए स्टेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में हम बीआरएस भी बोलते हैं। ये वीडियो मैं अपने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे चलने से पहले मैं आपके दोस्तों 5 सेकंड लूंगा। मेरे इस चैनल को, मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। आओ दोस्तों जानते हैं बीआरएस क्या होता है। दोस्तों बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर की जाती है पर्टिकुलर डेट पे टू रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ बैंक विद द बैलेंस ऑफ बैंक इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या मतलब समझ में नहीं आया ना? बीआरएस दोस्तों एक वो स्टेटमेंट है जो कि हमारे दो बैलेंस को रिकनसाइल करती है। रिकनसाइल मतलब क्या रिकनसाइल करती है? देखो हमारा जो बैलेंस आ रहा है हमारे बैंक की जो पासबुक है, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है, उसे हम पासबुक भी कहते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसमें जो बैलेंस आ रहा है उसको हमने मैच करना है, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें जो हमने बैंक बना रखा है उस बैंक के बैलेंस से हमको बैंक स्टेटमेंट को मैच करना है। सर ये रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? देखो रिकंसिलिएशन का मतलब है जो हमारा बैंक बैलेंस इन आवर बुक्स है और जो हमारा बैलेंस इन आवर बैंक स्टेटमेंट है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, इनके डिफरेंस को दिखाने के लिए कि इनका डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो जो हमने दिखाना है, जो भी कॉजेस और डिफरेंसेस हैं वो हमने शो करने हैं। मान लो इसमें 5 लाख आ रहा है, इसमें 6 लाख आ रहा है, अभी जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है इसको दिखाने के लिए कि ये क्यों आया, वही है रिकंसिलिएशन। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई बीआरएस बनाने की? देखो एक एग्जांपल लो, मान लो एक ओनर है और एक उसका अकाउंटेंट है। ओनर क्या करता है? पैसे कमाता है, माल खरीदता है, माल बेचता है, और अकाउंटेंट क्या करता है? जो भी काम हो रहा होता है, जो भी परचेस सेल प्रॉफिट लॉस हो रहा होता है उसकी वो रिकॉर्डिंग करता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब हुआ क्या दोस्तों, देखो दोस्तों आजकल ओनर भी बहुत समझदार है। आजकल क्या है, मान लो जो ओनर्स हैं इनके पास ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड होते हैं, आजकल मोबाइल में सारा डाटा खुल जाता है, अपना बैंक का बैलेंस चेक हो जाता है। अब ओनर अपनी कुर्सी पे बैठा है, उसने अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे बैंक का बैलेंस चेक किया, मान लो बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 6 लाख रुपए आ रहा है। हमारी बैंक बैलेंस कितना शो हो रहा है, 6 लाख रुपए शो हो रहा है। उसने अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंटेंट से पूछा कि बेटा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना बैलेंस शो हो रहा है। अकाउंटेंट अपनी किताबें लेके गया, वहां पे 5 लाख रुपए शो हो रहा था। वो देख के भड़क गया, उसको गालियां देने लग गया, गुस्सा करने लग गया उसको कि ये तूने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए का तूने मेरा नुकसान कर दिया, ऐसे काम होता है? तो दोस्तों क्या है, अब अकाउंटेंट को देनी है सफाई मालिक को कि ये 1 लाख रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है, बैंक में 6 लाख शो कर रहा है, हमारी किताबों में 5 लाख रुपए शो कर रहा है। गलती देखो यहाँ पे ना अकाउंटेंट की है, ना ही बैंक वालों की है, ना ही पासबुक में बैलेंस गलत है, ना ही हमारी किताबों में गलत है। तो ये 1 लाख रुपए गया कहाँ पे, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों ये जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है ये हालातों की गलती है। ये हालात ऐसे पैदा हो गए कि 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। इन हालातों को शो करने के लिए हमें क्या बनानी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तुम हालातों की स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। अरे भावुक मत हो जाना, हालातों की स्टेटमेंट बाहर नहीं बोलते, बाहर बीआरएस ही बोलते हैं। बाहर अगर हालातों की स्टेटमेंट बोलोगे इट विल बी इंजूरियस नॉट टू योर हेल्थ बट योर वेल्थ। तो दोस्तों अब हमने ये हालातों को समझना है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। पहला इसमें वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ये हमारा ये वाला ही केस है। कौन सा केस? जिसमें बैंक में हमारे 6 लाख रुपए शो कर रहे हैं, बैंक बैलेंस में 6 लाख रुपए शो कर रहे हैं, और हमारी जो किताबें हैं, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसमें 5 लाख रुपए शो कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस 1 लाख रुपए का आया है इसका रीजन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अरे नहीं समझ आया ना, मैं समझाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ होगा, मान लो आज 31 मार्च है, कल क्या थी 30 मार्च, आज का बैलेंस कितना शो हो रहा है बैंक बैलेंस में, 6 लाख। ये क्यों आया? ये इसलिए आया कल 30 तारीख को ओनर ने मान लो चेक काट के दिया, चेक इशू किया मिस्टर राम को 1 लाख रुपए का। तो हमारे अकाउंटेंट ने कल क्या किया होगा, अब हमारे बैलेंस में से जो कि 6 लाख रहा होगा उसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर दिया होगा, जो कि उसने 5 लाख रुपए दिखाए होंगे। और आज जो हम जो बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं इसमें 6 लाख रुपए शो हो रहे हैं। इसका रीजन बड़ा साफ है कि जो मिस्टर राम जो 1 लाख रुपए का चेक लेके गए उन्होंने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, हमारे बैंक में डाला ही नहीं, यानी चेक इशूड बट नॉट गेट प्रेजेंटेड, हमारे वहां से पैसे ही नहीं कटे। और यहाँ पे हमारा 5 लाख शो हो रहा है और वहां पे 6 लाख शो हो रहा है। अभी जो 1 लाख रुपए की दिक्कत आई, ये लाइव एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, हालातों की दिक्कत है। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में मान लो 6 लाख रुपए आ रहे हैं और बैंक बैलेंस में मान लो 5 लाख रुपए आ रहे हैं और डेट आज 31 मार्च ही है। कल क्या हुआ था 30 मार्च को, 30 मार्च को क्या हुआ था, हमारी एक कस्टमर है जिसको हम माल बेचते हैं, जिसका नाम है शांति।
शांति ने कल हमें एक चेक काट के दिया था, मैं हूँ ओनर मान लो। ओनर ने क्या किया, वो चेक किसको दे दिया, अपने अकाउंटेंट को दे दिया। ले बेटा इसको जमा करवा के आ जा बैंक में। वो गया वहां से, आया आके बैठा अपनी कुर्सी पे चेक जमा करवा के। उसने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, उस एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया। मतलब उसने जो बैलेंस कल के डेट में 5 लाख रुपए था उसको बढ़ा के 1 लाख से 6 लाख कर दिया, लेकिन बैंक में बैलेंस आज भी 5 लाख ही है। इसका क्या रीजन है? बड़ा ही सिंपल प्रैक्टिकल रीजन है इसका, कि जो चेक जब भी हम बैंक में जमा करवाते हैं उसको क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं। कल हमने चेक जमा कराया 30 तारीख, आज है 31 मार्च, तो जो चेक है वो डिपॉजिट तो करा दिया बट वो क्लियर नहीं हुआ। तो ये था हमारा सेकंड केस जिसे बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। दोस्तों और भी बड़े सारे केस हैं, उसको मैं इतने लॉन्ग में नहीं, उसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होता है, बैंक ने बैंक बैलेंस में कुछ चार्जेस काट लिए और अकाउंटेंट को नहीं पता चला। वो मोबाइल, वो कोई फोन नहीं करते कि भाई साहब आपके इतने पैसे काट लिए हैं, यहाँ पे इतने पैसे काट लें। उन्होंने पैसे काट लिए, मान लो एसएमएस भी आया ओनर के पास, ओनर बड़ा बिजी इंसान है, ओनर ने अकाउंटेंट को नहीं बताया कि भाई ये मैसेज आया योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दैट मच अमाउंट। ओनर ने नहीं बताया अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री नहीं करी, तो अब हुआ क्या, बैंक का जो बैलेंस हो गया वो कम हो गया और जो हमारी किताबों का बैलेंस है वो ज्यादा ही रहेगा क्योंकि अकाउंटेंट ने एंट्री की नहीं होगी। ये भी एक रीजन है बैंक चार्जेस। थर्ड रीजन हो गया बीआरएस के लिए। और क्या रीजन हो सकते हैं दोस्तों? ईसीएस फैसिलिटी। ईसीएस क्या होता है, जैसे मान लो हमने गाड़ी का लोन ले रखा है, हमारी ईएमआई कटती है हर महीने। अब क्या है कि ईएमआई जो कटती है वो अपने आप कट जाती है हमारे अकाउंट से, ईसीएस फैसिलिटी लगी हुई है। अब क्या हुआ कि हमारे अकाउंट से तो पैसा कट गया ईसीएस का, लेकिन हमारे अकाउंटेंट साहब है वो बड़े ही बिजी इंसान है, उन्हें याद नहीं रहती बातें। ओनर ने बता रखा है कि भाई ईसीएस फैसिलिटी लगी हुई है, हर साल तेरे को, हर महीने सॉरी, हर महीने तेरे को पैसे उसमें से डेबिट करने हैं, वो कटेंगे पैसे तेरे, लेकिन उसने नहीं करे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, यहाँ अकाउंटेंट की गलती है, उसे रिकॉर्ड कर देना चाहिए था। दोस्तों अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर अकाउंट। मान लो हमारा एक कस्टमर है जिसका नाम है पप्पू। अब पप्पू साहब ने क्या किया, चेक काटा और सीधा हमारे बैंक में जाके जमा करवा दिया, या फिर एक ऑनलाइन पेमेंट ही कर दी हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। हमें नहीं पता कि उसने पैसे दिए हैं, अकाउंटेंट को भी नहीं पता कि पैसे आए हैं। तो क्या हुआ होगा, हमारा जो बैंक का बैलेंस होगा वो तो बढ़ गया होगा, लेकिन जो हमारे अकाउंटेंट है उन्होंने तो पैसा बढ़ाया ही नहीं होगा, एंट्री की नहीं होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, जो हालातों का डिफरेंस है, इसे क्या बोलते हैं, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर अकाउंट। अब दोस्तों अगली बात रहेगी कि बीआरएस बनाते कब है, कब बनाते हैं बीआरएस, क्या इसे साल के एंड में बनाया जाता है, क्या इसे मंथ के एंड में बनाया जाता है, क्या इसे हफ्ते के एंड में बनाया जाता है, क्या इसे रोज बनाया जा सकता है। दोस्तों इसको जब मर्जी बनाओ, जब ओनर चाहता है तब बीआरएस बन सकती है। मान लो ओनर चाहता है मुझे रोज सुबह बीआरएस चाहिए ही चाहिए, तो ये एमआईएस का पार्ट भी है। अगर ओनर कह रहा है कि मुझे चाहिए ही चाहिए बीआरएस, तो जब मर्जी बनाओ, अकाउंटेंट को बोल दिया उसने भाई तू बीआरएस बना के ले आ, तब बीआरएस बना सकते हैं। ऐसा कोई, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मंथ के एंड में बनेगी, ये जब मर्जी बन सकती है। अब दोस्तों अगली बात ये रहती है कि बीआरएस कौन बनाता है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है बीआरएस? नहीं दोस्तों, सीए को बनाने की जरूरत नहीं है, ओनर्स ने अकाउंटेंट रखे होते हैं वो बनाते हैं बीआरएस। हालांकि सीए भी बना सकते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता, कोई भी कर सकता है, पर ज्यादातर अकाउंटेंट्स ही बनाते हैं। लेकिन जब भी किसी कंपनी, किसी फर्म वगैरह की, जब भी किसी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट फाइनल होगी, बैलेंस शीट फाइनल करते टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट को ध्यान में रखना है, या जो भी अकाउंट्स फाइनल कर रहा है उसको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर बीआरएस बनी हो। अगर बीआरएस नहीं बनी होगी तो अकाउंट्स फाइनल नहीं होंगे, तो बैलेंस शीट फाइनल नहीं होगी, इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, मान लो बीआरएस तो फाइनल हो गई, अब बीआरएस में क्या है, बीआरएस हमने बना दी, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले वाला ही, कि हमारे अकाउंट्स में आ रहे हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहे हैं 5 लाख रुपए और जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उसमें आ रहे हैं 6 लाख रुपए। अभी 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस है इसकी हमने बीआरएस भी बना दी। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये है, जब सीए बैलेंस शीट फाइनल कर रहा होगा तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कौन सा बैलेंस दिखाएगा, 5 लाख दिखाएगा या 6 लाख दिखाएगा? 6 लाख जो बैंक अकाउंट के अंदर है, 5 लाख जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है, अब वो 5 लाख दिखाएगा या 6 लाख दिखाएगा? दोस्तों जो सीए है, जो अकाउंटेंट है, जो भी बैलेंस शीट फाइनल कर रहा है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 5 लाख ही दिखा रहे हैं। बेशक बैंक बैलेंस हमारा 6 लाख रहा हो, वो जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है उसकी हमने बीआरएस बना दो दी। तो आपको समझ में भी आ गया कि क्या इंपॉर्टेंस है बीआरएस की, तो हम 5 लाख ही दिखाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बिंदास कमेंट करो,
रिप्लाई मिलेगा दोस्तों, मैं रिप्लाई करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।